बीआर नंबर अभी तक एक भी नहीं दिखा है कश्मीर के अंदर, लग रहा है वो अभी इतने ज्यादा जाम है। राइट साइड में आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा जाम है। यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे हैं, चैन लगा के ऊपर जाने देंगे, तो चैन लगवाते हैं। घर के ऊपर बर्फ जो जमा हुआ है देखो, है ना, स्केटिंग वाले बंदे को उधर टॉप पे ले जाते हैं, वहां से फिर है ना। सो कुछ ऐसा गुलमर्ग का भी हाल है, बहुत प्यारा लग रहा है। इस चैन की वजह से पूरा इस साइड का गाड़ी कलर हो चुका है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग। सो कल रात के 1:30 बजे हम लोग श्रीनगर पहुंचे थे, तो एक के क्या नाम है, कोई सुल्तान नाम है, नईम सुल्तान है, ऐसे ही कुछ नाम है गेस्ट हाउस का, वो खुला हुआ था तो उसमें रूम लिया, फिर उसमें रुका था। रात को बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो वीडियो नहीं बना पाया और सो गए। सो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बज रहे हैं 10:30, ब्रेकफास्ट हो चुका, सो चलिए फिर निकलते हैं रास्ते में। सो अभी हम लोग गुलमर्ग के लिए निकल चुके हैं, श्रीनगर सिटी से ये बीचों बीच ले जा रहा है, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। बीआर नंबर अभी तक एक भी नहीं दिखा है कश्मीर के अंदर, लग रहा है बीआर नंबर हम लोग सिंगल फेस है मतलब श्रीनगर के अंदर। सो अभी हर जगह आर्मी वाले हैं खड़े, और मार्केट में है, सो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे अभी। ज्यादा जाम है राइट साइड में, आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा जाम है। अभी पिछले 1.5 किलोमीटर से ये इतना लंबा जाम लगा हुआ है, पीछे को लंबर से फिर जहाँ पे राइट नहीं है वहाँ पे वहाँ से निकल चुके हैं। बहुत ज्यादा जाम है राइट साइड में जहाँ ये श्रीनगर जाते टाइम में, और हम लोग श्रीनगर से निकल रहे हैं तो हम लोग के लिए उतना जाम है नहीं। आप राइट साइड में पिछले वाले रोड पे करीब 2 किलोमीटर के आसपास जाम होगा रोड पे इतना लंबा। सो अभी बस ऐसे ही चल रहे हैं। बस कोई चौक है, बहुत ही प्यारा चौक है, बस यहाँ से है गुलमर्ग 29 किलोमीटर, बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। अभी जो है ना रोड के किनारे पे कहीं कहीं बर्फ मिल रहा है, सो अभी हम लोग 3 दिन पहले आए रहते तो लाइव स्नोफॉल भी देख लेते, पर कोई नहीं कभी और सही, इसके बाद इंशाल्लाह अगले साल। जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा किसी ने, जिंदगी में कोई नहीं देखा होगा पागल है क्या, तुम नहीं देखा होगा कोई नहीं देखा होगा, क्या बोल रहा है, कुछ बोला नहीं है क्या, मैप देखो ना तुम। अभी का अपडेट ये है कि गुलमर्ग ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं गाड़ी, और देख रहे हैं पुलिस वाले अगर जाने देंगे तो जाएंगे, नहीं तो फिर साइड में लगा के फिर जाना होगा, फिर ऑटो पकड़ के, ऑटो मतलब ऑटो शेयरिंग टैक्सी, हाँ, जो भी हो, हाँ, अभी देखिए so, अभी जा रहे हैं, मैं जो बोल रहा स्लीपरी है ना, साफ कर दिया होगा, मिलते हैं फिर। गाड़ी अभी का अपडेट ये है कि गुलमर्ग यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे हैं, चैन लगा के ऊपर जाने देंगे, तो चैन लगवाते हैं, और आइस वाला जूता भी रेंट पे लेना है, कपड़े भी रेंट पे लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। सो चैन लगा के फिर ऊपर निकलते हैं, नहीं तो पुलिस वाले बिना चैन का जाने नहीं दे रहे हैं। दो जगह स्लिपरी एरिया बता रहे हैं, और 3 बजे करीब में बता रहे हैं कि स्नोफॉल भी पड़ने के चांसेस है। सो देखते हैं फिर।
लगवाते हैं चैन और फिर निकलते हैं यहाँ से। जो हम लोग भाड़ा भाड़ा पे लेंगे उसमें टोपी भी देंगे क्या लोग? तो ये हम लोग गाड़ी में चैन लग रहा है, चैन लगवाते हैं और फिर चलते हैं। साथ में रहेगा दूसरा। तो गाइड हमारे ये है, सो अभी हम लोग जा रहे हैं तो यही गाइड हम उन लोग को ले जाएंगे ऊपर गुलमर्ग के पार्किंग से आगे। सो गाइड भी ले लिया है, चैन भी बनवा लिया, सो अब निकलते हैं। एक ही टायर में चैन बांधना है क्योंकि जरूरत पड़ेगा तो आगे चैन में बांध देंगे दूसरे टायर में। ये चैन गाड़ी में रख देंगे, फिर ये गाइड जा रहे हैं हम लोग के साथ में जो आगे तक जाएंगे। ठीक है तो आगे मिलते हैं। पूरा ऊपर तक का ये है ना हम लोग के साथ, ये धीरे धीरे ही। इसी चीज के लिए है ना हम लोगों ने चैन लगवाया था, जो बर्फ गिरा हुआ है और नीचे जो है आइस जमा हुआ है, ये इसको क्या बोलते हैं, आइस जो जम जाता है, हार्ड हो जाता है जो बर्फ, आइस ही ना बोलते हैं, नहीं ना कुछ और बोलते पहाड़ पे ले जाता है 7 स्प्रिंग पे। हाँ उसका 11,000 रुपया लगता है एक बंदे का, 11,000।
बोलते हैं जिसको, अभी तो बर्फ बहुत कम है, अभी तो सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, लेकिन ये कल हो गया। हाँ, ये कल हुआ है। हाँ, ये ब्लैक कल हो गया। ये दब 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 देते ना बर्फ को नीचे, निकल जाता है। अभी बर्फ इस साइड में सबसे ज्यादा, गुलमर्ग के पार्क मतलब पार्किंग में पार्क कर दिया गाड़ी, और इस चैन की वजह से पूरा इस साइड का गाड़ी कलर हो चुका है। अभी रेनकोट मतलब वही कोट ले लिया, इधर का लॉन्ग है काफी, बूट भी ले लिया रेंट पे। अभी वो कोई गाड़ी है छोटा सा, क्या नाम है, वो रेंट पे लिया। अभी फिर निकलते हैं, बसने से घूमते हैं, आपको दिखाते हैं ये वाली गाड़ी। स्लेच स्लेच इस गाड़ी का नाम है, स्लेच। इसी पे बैठ के वो खींचेंगे। सवारी रेडी हो चुका है, दुकान का भी रेडी है, सवारी रेडी है। ये खींचेंगे आपका टंबर जो है ना, अब ये समृद्धि बन गया। जाओ इनके बीच में मैडम किसी मददगार। अब ताप कहाँ गया पूरा, गिर गया था अभी। नहीं नहीं कुछ नहीं, अब चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए भैया, ये घूम लिए काफी है। नजारे, ये मंदिर है शिव जी का शायद, और ये गुलमर्ग का कुछ ऐसा सीन है अभी, और हम लोग भी आनंद ले रहे हैं सफर का। अभी तो देख रहे हो ना अच्छा खासा। हाँ दादा, आप क्या बोलते हो, हेल्पर रखोगे? नहीं नहीं नहीं, हम लोग खुश हैं, बिना हेल्पर का ही खुश हैं। जो है ना ठोस हो चुका है भाई, कितना तेज चल रहा हूँ, जरा तेज है। मजा आया कि नहीं? मजा आया, सही बोल देना, बहुत विश्वास के ऊपर दुनिया कायम है। जी जी जी। हाँ आप अकेला जाएगा अभी। सो ये हेलीकॉप्टर जो देख रहा है, जो आवाज आपको सुनाई दे रहा है, ये है ना स्केटिंग वाले बंदे को उधर टॉप पे ले जाते हैं, वहां से फिर है ना स्केट करवाते हैं, स्केटिंग करवाते हैं। रिफ्लेक्स इतना ना पड़ रहा है इस स्नो पे, पूरे चेहरे पे लग रहा है, लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है फेस पे। अब ये फोटो शूट चल रहा है अभी सबका। गाड़ी रेडी है तीन बंदे के लिए, मुस्कान और अफ्ताब। कैसा आदमी है? मुस्कान मेरी वाइफ है। ऐसा नहीं है, वो वहाँ पे रुपवे है जो ऊपर जाती है और टॉप पे जाती है, और वहाँ से हेलीकॉप्टर भी खुलती है जो कि स्केटिंग कराने के लिए बंदे को ले जाते हैं। यहाँ पे स्केटिंग करते हैं जो नॉर्मल जो स्केटिंग होता है, यहाँ से फॉरेनर जाते हैं ऊपर स्केटिंग करने। सो कुछ ऐसा गुलमर्ग का भी हाल है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है अभी। तो चलिए अब यहाँ पे फोटो वीडियो सब हो गया, यहाँ से निकलते हैं। गुलमर्ग का हो गया काम फिनिश, अब हम लोग जा रहे हैं रिटर्न। सो अब जाते हैं, अब देखते हैं, थोड़ा सा होटल पे रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे डल लेक, थोड़ा सा होटल में जाएंगे। और भाई बहुत प्यारा अभी इस टाइम पे गुलमर्ग लग रहा है, बर्फ नहीं था तो अच्छा नहीं लग रहा था, पर अभी ठीक है। Thank you.
अभी होटल में आया हूँ, अभी बज रहा है रात के 8, और वहाँ से गुलमर्ग से आते आते 6:30 हो गया था। मार्केट थोड़ा सा घूमा और उसके बाद चलो खाना खा के सीधा होटल पे आया। काफी थक चुका है आदमी और इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। और खाने कब जाएगा? प्लीज अगर ये ब्लॉग अच्छा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। सो कल मिलते हैं। कल का अपडेट ये है कि कल हम जा रहे हैं सोनमर्ग। सो कल मिलते हैं, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।